गुड मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक कृतिका और जो पाठ है वो चतुर्थ पाठ चौथा पाठ और शीर्षक जो है आज के माटी वाली जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके जो लेखक हैं वो विद्यासागर नौटियाल जी हैं। यह इस चैप्टर का दूसरा भाग है माटी वाली। तो माटी वाली जो शीर्षक है एक्चुअली इस चैप्टर के अंतर्गत विस्थापन की समस्या को लेकर, विस्थापन कहें किसी के घर के लिए व्यवस्था के लिए, किसी के रहने के लिए घर की व्यवस्था के लिए, जब किसी के पास में किसी भी प्रकार के कागज ना हो तो वह व्यक्ति किस प्रकार किस स्थान पर रहे, इस प्रकार की समस्या को लेकर है यह चैप्टर। दूसरी बात, हमारा भारत देश, हमारे युवा वर्ग जो पीढ़ी है और जितना भी हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो क्रमशः अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ना भी चाहिए, कोई बात नहीं। उसके द्वारा जो किसानों की जमीन को लिया जाता है, उन्हें मुआवजा दिया जाता है, क्योंकि मार्गों के लिए, सड़कों के लिए, तरह तरह की कंपनी फैक्ट्रियों के लिए किसानों से जमीन तक ले ली जाती है, लोगों से जमीन तक ले ली जाती है। वे लोग न जाने कितने दिनों से उस स्थान पर बसे हुए होते हैं, उस स्थान को छोड़कर जब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, पुराने चीजों को छोड़कर, पुराने लोगों को छोड़कर, पुराने व्यवहार समाज सब कुछ छोड़कर जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। हालांकि ये करना भी उचित है क्योंकि भारत की उन्नति के लिए है यह सब कुछ, किसी भी देश की उन्नति के लिए सब कुछ आवश्यक होता है। उसी विस्थापन की जो एक माटी वाली है इस चैप्टर के अंतर्गत, माटी वाली जो शीर्षक है आज का हमारा चैप्टर जो माटी वाली नामक शीर्षक से उद्धृत है, तो अक्सर एक माटी वाली है यह जो लेख है, यह टिहरी अर्थात कहें तो उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान का है। एक माटी वाली मिट्टी बेचती है, लाल मिट्टी जो कि वहां के अक्सर गांवों में चूल्हे पर खाना बनाने के बाद में उस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है चूल्हे के लीपने के लिए, और वहां के जो कच्चे मकान हैं उनको लीपने के लिए। वह जो महिला है बुजुर्ग महिला है, वह माटा खाना जो गांव से कुछ दूर है वहां से वो मिट्टी लाती है कंटर में रख के अपने कनस्तर में और घर घर में जाकर बेचती है। अपने परिवार का, परिवार कहे तो उनके पति वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो खटिया पर पड़े हुए हैं, अस्वस्थ हैं, उनको उनके भरण पोषण के लिए और अपने भरण पोषण के लिए उसका एकमात्र व्यवसाय लाल मिट्टी प्रत्येक घरों में जा जाकर बोल बोल कर प्यार से मधुर भाषा के साथ में बेचना या देना। उसके बदले उसकी कोई लंबी चाहत या बड़ी चाहत नहीं थी, उसके लिए उसकी केवल इतने चाहत थी कि मुझे कहीं से एक दो रोटी मिल जाए और उससे मेरा पेट का गुजारा हो जाए। वो टेहरी शमशान के बगल में एक ठाकुर के जमीन पर मिट्टी से अर्थात बनाया हुआ एक झोपड़ी उसमें वो निवास करती है। किसी कारणवश जब टेहरी बांध टूट जाता है तो उसका घर और शमशान सब पानी में डूब जाते हैं। डूबने के बाद में कुछ एक समय के बाद में
उसके पति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वो सोचती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कहां करूं। इस चीज को लेकर, विस्थापन की एक बड़ी समस्या को लेकर यह माटी वाला चैप्टर और यह पूरा चैप्टर उस माटी वाली के, उस वृद्ध महिला जो अपना लाल मिट्टी बेचकर अपने जीवन को यापन करती है, उसी के इर्द गिर्द यह चैप्टर आपका संपूर्ण घूमता है। देखिए, हमारा यहां तक चैप्टर पहुंच गया था कि वो एक घर में जाती है, उसकी बेटी के द्वारा बुलाया जाता है और उस घर में वो मिट्टी देने जाती है। उसके द्वारा उसको पीतल के गिलास में चाय दी जाती है, चाय देने के साथ में उसे दो तीन रोटी दी जाती है। वो एक रोटी अपने पति के लिए रख लेती है और एक रोटी वो खा लेती है। दो रोटी दी जाती है, एक रोटी को झटके से कपड़े से बांध लेती है और वहां कहती है, मालकिन से कहती है, ठकुराइन से कहती है कि बताइए, पीतल के बर्तन आपके यहाँ उपलब्ध है? मैंने देखा है अक्सर यह पीतल के बर्तन मैंने मुझे देखने को प्राप्त नहीं होते। मैं कई घरों में अपना मिट्टी बेचती हूँ, लेकिन आपने इन पीतल के बर्तनों को कितने सजो के रखा है। तब ठकुराइन कहती है कि क्या करें, ये हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्ग लोगों की यह अथाह संपत्ति है और उस संपत्ति को हमने, न जाने हमारे बुजुर्ग लोगों ने, पूर्वजों ने अपने मन को कंट्रोल करके वस्तुओं को न खाकर, अपने आप के सीमित खर्चों को सीमित कर न जाने कितने बर्तन इस प्रकार के उन्होंने जुटाए हैं और उन बर्तनों को हम बेच दें, ये कहाँ की बात है। इस प्रकार वह मिट्टी वाली कहती, मिट्टी वाली से कहती है वो मालकिन, और मिट्टी वाली उससे कहती है कि तुम तो धन्य हो, आप जैसे लोगों के पास में तो विरासत में बहुत कुछ है, जमीन जायदाद है, कहीं भी तुम रह सकते हो, लेकिन मेरे लिए दिक्कत है, मैं कहाँ रहूँ, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं। देखिए, ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। इस प्रकार जो मिट्टी वाली है, माटी वाली है, एक बुजुर्ग महिला है, वह कह रही है, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है और मेरी तरफ देखने वाला कोई भी शख्स नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और चाय खत्म करके मिट्टी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई और सामने वाले घर में मालकिन के ठकुराइन के घर से जैसे ही निकली, दूसरे घर में गई, वहां से उसको दूसरे दिन का आदेश मिला कि आप मिट्टी हमें चाहिए कल, और इसी आदेश के अनुसार उसे दो रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया और उन दो रोटियों को भी उस माटी वाली ने अपने दूसरे कपड़े के छोर पर बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही हैं। उसके घर पहुंचते ही असक्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते तीन रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर दे, रोटियों को देखते ही चेहरा क्यों उठेगा बुड्ढे का, और इस प्रकार जो तीन रोटियां भांग ली उसने, ये तीन रोटियां अपने बुजुर्ग पति को वो दे देगी और उसकी आंखें चमक उठेंगी उन रोटियों को देखकर। भला गरीबों के नसीब में कहां रोटियां, हम जैसे पैसों वालों के, आप जैसे पैसे वालों के घर में यानी क्या क्या खाने के लिए मिल सकता है, लेकिन गरीबों की रोटियों की देखिए कीमत। उसकी तीन रोटियों को देखकर आंखें चमक उठेंगी। ऐसा बुजुर्ग मेला जो माटी वाली है सोच रही है कि मेरे पति इन तीन रोटियों को देखकर काफी प्रसन्न है। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ ही नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिट्टी की भोजन मिटा, और भूख मिटने से भोजन
अर्थात भोजन की मौलिकता तभी है जब भूख लगे, और भूख में कैसा भी तेजी ही वही खा लिया जाता है। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में एक घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाने में, मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोंपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कोई तरह के कामों को बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को पूरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने दो रोटियां। अब वह रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हर डेढ़। अब उसे ज्यादा नहीं पछता, बाकी बची डेढ़ रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच गई, और इस प्रकार से सोचते हुए वह मिट्टी वाली, वह माटी वाली मधुरभाषी सशक्त महिला वो अपने घर पर इस प्रकार के विचारों को सोचते हुए अपने घर पर वह पहुंच गई, जो विचार मैंने आपको बताया। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। और इस प्रकार कहते हैं, हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं, न जाने जिंदगी कब सिमट जाए हमारी। उजाले रहने दो अपनी यादों की मेरे साथ, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहते हैं कि जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाइए, और इतना अच्छा करके जाइए कि दुनिया तुम्हें याद करे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसी प्रकार जो मिट्टी वाले का जो पति बुजुर्ग था, वो आहट सुनकर चौंक उठता था, वह आंखों में चमक लेकर वो सोचता था, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी जब उसकी बुजुर्ग पत्नी उसके लिए रोटी लेकर आती थी तो उसको देखकर। लेकिन क्या ईश्वर को मंजूर नहीं है, वे आंखें अब नहीं रही। वह आहट को देखने वाला, उसकी आहट को सुनने वाला वह व्यक्ति अब नहीं रहा। और देखा उस बुजुर्ग महिला ने अपने पति को हाथों से देखा, तो वह उस समय बुजुर्ग श्वास छोड़ के जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आग चौंका दी, उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टेहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टेहरी बांध का बनाने वाला जो साहब थे, उन्होंने पूछा उस महिला से, उस बुजुर्ग माटी बेचने वाली, मिट्टी बेचने वाली महिला से, मधुरभाषी महिला से पूछा, तुम्हारा रहने का स्थान क्या है, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। जब वहाँ के साहब ने पूछा, टेहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने पूछा, क्योंकि वो टेहरी बांध के पास ही रहती थी और टेहरी बांध बनने वाला था दोबारा से अच्छे से, क्योंकि टूट चुका था तो वो बन रहा था, तो बनने में उसके एक किनारे पर उस बुजुर्ग माटी वाली का मकान था, अर्थात झोंपड़ी थी वो। तो अक्सर आप जानते हैं कि जो उस प्रकार से मकान बने होते हैं, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता उनके पास में,
तो उनसे सरकार के अफसरों द्वारा पूछ लिया जाता है कि आपके कागज कहाँ हैं। तो उसी प्रकार साहब ने टहरी बाग पुनर्वास के साहब जो थे उन्होंने उस मिट्टी वाले से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, कोई प्रमाण पत्र है, अर्थात तहसील से बनवा कर प्रमाण पत्र लेके आना। उसने कहा मिट्टी वाले ने, मेरे पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है और मैं तो बहुत दिनों से यहाँ रह रही हूँ, और साहब मैं तो तमाम घरों में माटी देते हुए अपने गुजार करती हूँ। माटी कहाँ से लाती हो? साहब ने पूछा, तुम माटी कहाँ से लाती हो? उसने जवाब दिया, माटा खाने से लाती हूँ, अर्थात माटा खाना शहर के गांव के कुछ दूर रास्ते पर थे। वह माटा खाना चढ़ी, हे तेरे नाम अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं, माटा खाना तो मेरी रोजी साहब है। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। और बुढ़िया, हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बात बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? बात बन जाएगा मेरे झोंपड़ी को मन तोड़िए, मैं बात बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, कहाँ से अपना गुजारा बसारा करूंगी, कहाँ रहूंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए, और आते जाते वाले सभी लोगों से कहती है कि गरीब का शमशान नहीं गुजरना चाहिए, अर्थात गरीब की आत्मा किसी प्रकार से हमें नहीं सतानी चाहिए। जाकी मोटी है मुई खाल की श्वास, अर्थात गरीब को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुई खाल की श्वास, अर्थात हमें गरीब प्राणी को किसी प्रकार नहीं छपाना चाहिए। इसमें जो मुख्य वार्ता है, मुख्य वार्ता है विस्थापन की वार्ता है, अर्थात जिन लोगों के पास में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है, वो बहुत सालों से एक स्थान पर रहते आ रहे हैं, उनके विस्थापन की समस्या को लेकर सरकार के द्वारा तरह तरह की सड़कों को बनाना, तरह तरह की कार्य योजनाओं का आना, उनमें न कागज वाले लोगों के लिए रहने की न व्यवस्था होना, उसी प्रकार जिस प्रकार माटी वाले के पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं था, एक गरीब होने के नाते उसके लिए कोई सुनिश्चित स्थान किया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा तभी अंत शब्दों में यही कहा गया है कि गरीब कभी भी गरीब का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, अर्थात गरीब व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए। हो सके हमसे जितनी भी गरीब की मदद हो सके उतनी मदद हमें करनी चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार सरकार के द्वारा ऐसे निस्सहाय लोगों को सताया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो गरीबों के लिए होती है, जिनके पास रहने के लिए नहीं है उन्हें रहने के लिए स्थान देना, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है उनको पहनने के लिए कपड़े देना, जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको खाना देना, मकान कपड़ा खाना मकान कपड़ा ये चीज़ है जो कि अत्यावश्यक चीज़ें हैं गरीब के लिए, इस सारी सरकार की व्यवस्था। विस्थापन की समस्या आती है जिनके पास में प्रमाण पत्र नहीं है, जो लोग बहुत दिनों से एक स्थान पर रह रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की व्यवस्था करानी चाहिए, उनको एक स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि यह अत्यावश्यक है भारत के विकास के लिए, भारत को अग्रसर करने के लिए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि उनके लिए अच्छे से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए गरीब लोगों के रहने की, उनके सब उनके शमशान को उनके स्थान को नहीं उजाड़ना चाहिए, उनके सपनों को भी नहीं उजाड़ना चाहिए, उन्हें भी जीने का मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए उन्हें भी। इस प्रकार यह पूरा चैप्टर आपका उस माटी वाली लाल मिट्टी बेचने वाली घर घरों में लाल मिट्टी बेचकर अपना पेट भरने वाली ऐसी एक बुजुर्ग मधुरभाषी सशक्त महिला के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका व्यवसाय दूर दराजे से मिट्टी खोदकर कंटर में लाना और उसको प्रत्येक घर में जा जाकर उसको बेचना
और बेचकर जो भी वहां से उस घर से चाहे वो खाद्य वस्तु में रोटी चाय टोस्ट जो भी मिल जाए उसको लाकर खुद अपना पेट भरती थी और अपने पेट की अपेक्षा अपने पति का जो घर में बुजुर्ग था स्वस्थ पति था उसका बेचारी पेट भरती थी। और किसी कारणवश भारत सरकार टेहरी बांध जब पुनर्वास हो रहा था उसके द्वारा उसके घर के प्रमाण पत्र मांग लेना और टेहरी बांध के द्वारा उसके घर का डूब जाना शमशान घाट का डूब जाना इन सभी कारणों से वो अपनी जिंदगी को ढंग से नहीं जी पाई। यही उसका दुख दर्द था कि विस्थापन की योजना एक होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है जो एक स्थान पर कई दिनों से बस रहे हैं उनके विस्थापन की एक योजना बनाई जानी चाहिए उनको स्थापित करना चाहिए उनके लिए घर की व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था करनी चाहिए हर प्रकार के ऐसे गरीब लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। यह पाठ है आपका। इस शीर्षक के अंतर्गत यही वर्णन किया गया है और विस्थापन की मुख्य समस्या को लेकर यह चैप्टर है गांधी वाली नामक। यहाँ इस प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। दो भागों में यह चैप्टर समाप्त हो गया है पहले भाग और यह दूसरा भाग है। इन दोनों भागों में आपको इसकी व्याख्या को समझने में कोई किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ हुई हो तो आप सहर्ष कभी भी किसी भी वक्त क्लास में पूछ सकते हैं वैसे भी पूछ सकते हैं और आप इसकी व्याख्या को स्वयं समझें इसको अच्छे से गहन अध्ययन करें स्मार्टी वाले नामक शीर्षक का। इसके बाद में आपको कोई समस्या है तो आप कभी पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।